सो ही गाइस, बैक एट अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हमारा बाइक के आरसी रिन्यूअल के ऊपर, बाइक या कार जिसका भी मतलब जो भी व्हीकल्स आपके पास है उसके ऊपर, और इसमें कितना खर्चा लगता है, मैंने अपनी गाड़ी का कैसे आरसी रिन्यूअल कराया उसके ऊपर। और मैंने एक वीडियो इसके ऊपर पहले बना दी है, ठीक है, पर उसमें कई लोगों को कई चीज़ अच्छे से समझ नहीं आई थी, तो मैं एक बार फिर से वो सब चीज़ें समझाऊंगा आपको और एकदम प्रॉपर वे में समझाऊंगा। और वीडियो में थोड़ा मैंने जल्दी भी बोला था, अब जल्दी बोलने का था एक्चुअली, मेरे को वीडियो का थोड़ा पता नहीं क्यों है, पर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में धीरे से बोलूँ, एक्सप्लेन करूँ आपको, और अगर विंड नॉइज़ आएगा तो भाई माफ़ कर देना, हवा चल रहा है और मेरे को वीडियो शूट करना करके इसलिए, और मेरे पास कोई माइक नहीं है अभी, ऑप्शन नहीं है, तो बाइक को एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करूँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, ये रही अपनी बाइक, ठीक है, और मैं बताऊंगा सबसे पहले आपको कि आरसी रिन्यूअल हमको कब कराना पड़ता है, मतलब कि गाड़ी का पेपर हम लोग को री रजिस्ट्रेशन कब कराना पड़ता है और क्यों कराना पड़ता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे कि मेरी बाइक 2003 मॉडल है ना, और ये 2017 में इसका आरसी एक्सपायर हुआ था, और उस टाइम मेरे पापा ने इसे कराया था 2020 तक, और 2020 में मैंने कराया, तो अब ये 2025 तक है इसका आरसी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी मेरे को ज़्यादा एक्चुअली मैं देखो बताता हूँ, मैं कई लोग जैसे लेट करते हैं, कई लोग को याद नहीं रहता कि उनकी गाड़ी का पेपर एक्सपायर हुआ है, तो उसमें आपको फ़ाइन लग सकता है, ठीक है। फ़ाइन पता है कितना लगता है? फ़ाइन आपको लगेगा 300 रुपये महीना। जैसे मतलब आपका आरसी मान लो अभी अगस्त के महीने में एक्सपायर हुआ है, तो आपका सेप्टेम्बर से अगर आप मान लो दिसंबर में कराते हो, तो सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर 3 महीने का आपको फ़ाइन लगेगा 900 रुपये। तो इसके हिसाब से देख लो, आप अगर 1 साल नहीं कराया, 2 साल नहीं कराया, जितना भी नहीं कराया हो आप, या 1-2 महीने का गैप हो गया आपके पेपर में, तो आपको उतना फ़ाइन देना ही पड़ेगा, ठीक है, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। और रिन्यूअल कराने के पहले सबसे क्या करना पड़ता है कि जैसे कि आपकी बाइक एकदम पुरानी है, उसके इंजन में दिक्कत है, धुआं दे रहा है, साइलेंसर फटा हुआ है, बैटरी नहीं है, लाइट्स नहीं है, मतलब बॉडी का कोई पार्ट नहीं है, बहुत चीज़ मतलब मिसिंग है, टायर का कंडीशन अच्छा नहीं है, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, बाइक में। तो जैसे कि आप जाओगे इसको वहाँ कराने आरटीओ में, तो आपको अपना पुराना आरसी लेके जाना पड़ेगा, अपना शायद ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, अपना जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, बाइक का आरसी, और एक फॉर्म लेके जाना पड़ता है, जो फॉर्म अगर मेरे को लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और इतना ही चीज़ लगता है, और पैसे लगते हैं कुछ 2-3 हज़ार, मतलब 2-3 हज़ार लगते हैं, वो डिपेंड करता है आपके सिटी के ऊपर। और भाई देखो, दिल्ली बेंगलोर जैसी जगह में ये सब कराना बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है, वहाँ तो मेरे ख्याल से अलाउड भी नहीं है, वहाँ तो अब कार्स डीजल कार आती है, उसका भी 10 साल कर दिए लाइफ, और पेट्रोल कार का 15 साल, तो भाई वो सब जगह तो अलाउड नहीं है इसका, ठीक है। और बाइक्स का भी मेरे ख्याल से वहाँ नहीं करते, 15 साल से पुरानी बाइक का वहाँ आरसी रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बताता हूँ इसके आगे का इन्फॉर्मेशन में, एक मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा भी नॉइज़ आ रहा है हल्का सा, हाँ चलो बताता हूँ आप इसके आगे क्या करना है आपको। तो जैसे कि आप ले जाओगे तो आरटीओ में कई सारे एजेंट्स रहते हैं, मतलब कि सिंपल से भाषा में बोलो तो दलाल रहते हैं कई सारे, ठीक है, जो आपका काम एकदम आसान बना देंगे। तो मैंने भी इसको भाई 2 बार एजेंट के थ्रू ये सब काम कराया है, ठीक है, आरटीओ के जो स्पेशल एजेंट रहते हैं, या आप जो भी बोल सकते हैं उनको, एजेंट बोलो या पहचान बोलो, सिस्टम बोलो, जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है, तो उसके थ्रू मैंने ये काम कराया है। और मेरे को लगा था 2-3 हज़ार, और मेरे को एक ही बार गाड़ी लेके जाना पड़ा चेक कराने के लिए। और आपकी गाड़ी में पता है क्या क्या रहना चाहिए, आपकी गाड़ी में दोनों इंडिकेटर्स रहने चाहिए, दोनों साइड में रहने चाहिए, मैंने दोनों निकाल दिए, और इंडिकेटर्स ऐसे वाले नहीं रहने चाहिए भाई जो ओरिजिनल कंपनी से आते हैं, वैसे टाइप के रहने चाहिए, या तो ऐसे रहने चाहिए कि जो बाइक में अच्छे लगे, मतलब कि स्टॉक हो, ऐसा ना हो कि ये KTM है, मतलब या ब्लू टाइप ऑरेंज टाइप होना चाहिए, जो ओरिजिनल रहता है वैसा होना चाहिए वो। और बाइक में सब पैनल्स होने चाहिए, बाइक का टायर कंडीशन अच्छा होना चाहिए, टायर कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि 1-2 साल कम से कम टायर चले, ठीक है, इंजन स्मोक नहीं देना चाहिए, और इंजन में कोई नॉइज़ नहीं होना चाहिए ऐसा, ये भी होना चाहिए। और आपके बाइक में क्या बोलते हैं, हॉर्न बजना चाहिए, जैसे हॉर्न अगर नहीं बजता तो फिर वो पासिंग नहीं करते हैं, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। और लाइट प्रॉपर वर्क करना चाहिए, दोनों ब्रेक अच्छे से होना चाहिए, क्लच काम करना चाहिए, मतलब आपके बाइक में जितने भी वर्किंग पार्ट्स सब वर्क करना चाहिए, आपके बाइक में लेग गार्ड होना चाहिए, बस यही सब पार्ट्स रहते हैं उसके अंदर, जब आप रजिस्ट्रेशन करा जाओगे तब इतना सब चेक करता है वो। और अगर आप थोड़ा सा सेटिंग करा लो तो भाई चेक भी नहीं करता, तब भी से आप ये सब करा के जाओगे, क्योंकि हर बार सेटिंग काम नहीं आता, अगर मान लो सेटिंग भी करेगा ना तो आपको गाड़ी को क्या बोलेगा कि ज़्यादा अच्छे से चेक मत करो, आपका जो एजेंट है वो ऐसा बोलेगा, तो आपकी गाड़ी में ज़्यादा चीज़ चेक नहीं करेगा वो, तभी जो बेसिक चीज़ें जैसे कि इंडिकेटर, साइड मिरर्स, हॉर्न, बैटरी, ये सब वो चीज़ चेक करता ही है, इंजन का साउंड चेक करेगा, कहीं गाड़ी स्मोक नहीं दे रही वो चेक करेगा, साइलेंसर ओरिजिनल है नहीं ओरिजिनल ये चेक करेगा। बाइक्स कार सबके लिए बता रहा हूँ भाई, मैं बाइक ऐसा नहीं कि खाली बाइक्स के लिए बता रहा हूँ, मैं बाइक कार सबके लिए बता रहा हूँ, ज़्यादातर चीज़ें सब में सेम ही रहती हैं, और बाइक में एक पोल्यूशन होता है वो भी सेम। तो इतना ही कुछ चीज़ रहता है, और कई सारे सिटीज़ में रिन्यूअल नहीं होता भाई, तो वहाँ बाइक को अपने घर में रख सकते हो या लोकल की तरह यूज़ कर सकते हो, ज़्यादातर जैसे भी आप समझ लो अपने हिसाब से। और जहाँ जहाँ होता है वहाँ तो भाई 5 साल के लिए लाइफ बढ़ी जाती है, आप 1-2 बार बढ़ा सकते हो, और मेरे को ये नहीं पता कि इसके बाद इसका रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, पर मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई सरकार, अगर बाइक की कंडीशन अच्छी है या कार की कंडीशन अच्छी है, सरकार उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सरकार को मेरे ख्याल से बाइक को पासिंग देने के लिए। तो बस इतना ही रहता है, अब आपका चेक करता है वो, फिर 10-15 दिन के बाद नई आरसी बन के आ जाती है आपकी, और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल बिना कुछ चला सकते हो। इंश्योरेंस कराना पड़ता है भाई, बता दे रहा हूँ, पहले रिन्यूअल से पहले इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, अगर आपके जगह में पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन भी कराना ही पड़ता है आपको। और बस इतना ही चीज़ है, और कुछ तो नहीं लगता उसमें,
और 300 रुपये मंथ फाइन लगता है। आप मेरे ख्याल से बढ़ गया होगा तो मैं नहीं बता सकता आपको, और फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और भाई देखो, कुछ मिस्टेक हुआ वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है, बिल्कुल आपको जवाब दूंगा मैं। मेरी इससे पिछले वाली वीडियो में भी अच्छे खासे व्यूज़ गए तो मैंने उसमें भी सब कमेंट का रिप्लाई किया। ऐसा नहीं भाई कि कमेंट छोड़ दिया, मैं इग्नोर कर दिया दुनिया भर की बातें, ठीक है। तो वीडियो को करता हूँ एंड में एक मिनट। तो मेरे हिसाब से जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को लगी बेसिक जरूरी बताना है, और जिसमें जो वीडियो में डाउट छूट गया था पिछले वाले में कि फाइन का कैसा सीन रहता है और बाइक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी बाइक के लिए कितना लगेगा कौन सी कार के लिए कितना लगेगा, वो सब डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। और देखो भाई, जो जो चीज़ मैंने बाइक के लिए बताया सेम चीज़ कार के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, जय श्री राम, प्राउड टू बी हिंदू, प्राउड टू बी इंडियन।